हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है पोएम द टाइगर। इस पोएम को 1794 में पब्लिश किया गया था और ये एक कलेक्शन का पार्ट था, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। 1794 में विलियम ब्लेक का एक कलेक्शन आया था जिस कलेक्शन का नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो मेरा पिछला जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था द गार्डन ऑफ लव, वो भी इसी कलेक्शन का पार्ट था और ये वाला पोएम भी इसी कलेक्शन का पार्ट है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी द गार्डन ऑफ लव का। एंड सेकेंडली, इसमें जो टाइगर है उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, जहाँ आई लगता है वहाँ पे वाई लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विलियम ब्लेक ने टाइगर का स्पेलिंग यूज करा है ये आर्केइक स्पेलिंग में है, क्योंकि ये एक एग्जॉटिक, मतलब कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक दिखाना चाहते कि इसमें, इस पोएम में जो टाइगर है वो एक एग्जॉटिक बीस्ट है और टाइगर को सिर्फ एक एनिमल के रूप में नहीं, अलग अलग तरीके से उसको एज अ सिम्बॉलिक फिगर डिपिक्ट किया गया है कि मतलब डर, वायलेंस, पावर, इन सब चीजों के लिए भी उसे एज अ सिंबल यूज किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो पोएट यहाँ दो बार टाइगर टाइगर बोलते हैं और बताते हैं कि इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट का मतलब है रात के अंधेरे में, जंगल में टाइगर इज बर्निंग ब्राइट, जिसका मतलब है कि रात के अंधेरे में टाइगर को देख के ऐसा लगता है कि उसके स्किन के कलर के वजह से जैसे मतलब वो जल रहा है, एक बर्निंग फ्लैश ऑफ कलर जिसको बोलते हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दैट फियरफुल सिमेट्री। तो कौन से इमॉर्टल हाथों ने या कौन से इमॉर्टल आँखों ने इतने डरावने से एक फिगर को बनाया है, मतलब फ्रेम किया है एक फियरसम, एक ऐसे एनिमल को। सिमेट्री का हम एक तरफ मतलब पोएट तारीफ भी कर रहे हैं कि उसका जो स्किन कलर है ऐसा लगता है जंगल में जल रहा है, तो डरावना भी है प्लस सुंदर है। तो यहाँ जो इमॉर्टल की बात हो रही है, इमॉर्टल यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है गॉड को, गॉड से कंपेयर किया गया है कि बनाया होगा तो भगवान ने ही बनाया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes? तो poet यहाँ पे मतलब सोचता है कि इस tiger के आँखों में जो आग है वो कहाँ से आया, मतलब बहुत, मतलब आसमान से आया है या धरती के बिल्कुल नीचे से आया है, heaven से है या hell से है, इतनी आग आई तो आई कहाँ से। On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? तो पोएट यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे कौन से पंख थे जो उसे इतने दूर जगहों पे लेके गए, जो उसको हेल या हेवन में लेकर गए उसके आँखों में वो आग डालने के लिए, और कौन से वो हाथ थे जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो आग में हाथ डाल सके और उसके अंदर वो आग भर सके। तो यहाँ पे पोएट जो है वो ही बोल के मतलब गॉड को इशारा कर रहे हैं कि गॉड ही उसको इतनी दूर जगहों पर लेके गया है, उसके आँखों में इतना आग भरा है। And what shoulder and what art could twist the sinews of their heart? तो यहाँ पे बताते हैं कि वो कौन सा कंधा होगा या वो कौन सा आर्ट होगा, वो कौन सी मतलब कला होगी जिसने तुम्हारे जो हार्ट के sinews का मतलब है muscles या ligaments जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कौन सा shoulder है या कौन सा ऐसा कला है या आर्ट है जिसने तुम्हारे हार्ट के muscles ligaments को ट्विस्ट करके बनाया होगा, तुम्हारे हार्ट को शेप दिया होगा। एंड वेन द हार्ट बिगैन टू बीट वट ड्रेड हैंड एंड वट ड्रेड फीट। और जब उस टाइगर का दिल धड़कने लगा, जब उसका हार्ट बन चुका और उसका दिल जब धड़कना स्टार्ट हुआ, तो उसके क्रिएटर को कितनी हिम्मत लगी होगी उसके सामने खड़े होने की, क्योंकि वो इतना डेंजरस एनिमल है। और वट ड्रेड हैंड कि उसका क्रिएटर भी कहीं ना कहीं डरा होगा, बट उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उसके सामने खड़ा हो सके। उसको ज़िंदा देखने के बाद उसके क्रिएटर के भी हाथ और पैर कांपे होंगे, बट स्टिल उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उसके सामने फेस टू फेस खड़ा हो सके। व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन। तो यहाँ पे जो पोएट है वो जो टाइगर के क्रिएटर है, जो गॉड है, उनको कहीं ना कहीं एक लोहार से, एक आयरन स्मिथ से कंपेयर करते हैं कि वो कौन सा हथौड़ा था, कौन सा हैमर था, कौन सा चेन था। फर्नेस का मतलब है भट्टी, या वो कौन सी भट्टी थी जिसमें तुमने इसके ब्रेन को बनाया था, टाइगर के ब्रेन को बनाया था। तो इन सब चीज़ों का जो यूज़ होता है, चेन, फर्नेस, हैमर, ये
क्योंकि आयरन एक सॉलिड मतलब मटेरियल होता है, हैवी मटेरियल्स बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। कहीं ना कहीं उसके ब्रेन को एक हैवी सॉलिड आइटम से कंपेयर भी किया गया है यहाँ पे। व्हाट द एनविल, एनविल इसको बोलते हैं, इसमें जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार होते हैं, इसमें चीज़ों को मार मार के शेप देते हैं, हैवी मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो पोइट बताते कि वो कौन सा एनविल था जहाँ पे उसके ब्रेन को शेप दिया गया था। व्हाट डेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प, इस लाइन का मतलब है कि जो क्रिएटर थे उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि इतने डेंजरस एक एनिमल के ब्रेन को वो ग्रैस्प कर पाए। ग्रैस्प का मतलब है पकड़ना, मतलब किसी चीज़ को जकड़ के पकड़ना। तो क्रिएटर को दाद देते हैं कि उसने इतने डेंजरस एक एनिमल के ब्रेन को इतने ज़्यादा तरीके से बनाया है, इतने तरीके से शेप दिया है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, तो यहाँ पे बताते कि उस क्रिएचर को देखने के बाद, टाइगर को देखने के बाद, जो सितारे थे, जो स्टार्स थे, उन्होंने भी अपने स्पीयर्स मतलब अपने उनके जो वेपन थे, हथियार थे, स्टार्स ने भी अपने वेपन पूरे गिरा दिए। एंड वाटर्ड हेवन विद योर टीयर्स का मतलब है कि सितारे भी रो पड़े उस टाइगर को देख के, और वो इतना रोए कि जो स्वर्ग है, जो हेवन है, उन्होंने अपने आंसुओं से पूरा हेवन भर दिया, पूरा स्वर्ग भर दिया। डिड ही स्माइल हिज बुक टू सी, डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, कि क्या उसको बनाने के बाद, टाइगर को बनाने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद, क्या गॉड ने स्माइल किया होगा कि उन्होंने एक ऐसा क्रिएचर बनाया है। डिड ही हु मेड द लैम मेक दी का मतलब है क्या ये वही क्रिएटर है जिन्होंने लैम को बनाया। तो लैम का यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए दिया गया है क्योंकि लैम को जीसस क्राइस्ट से भी, जीसस क्राइस्ट भी बोला जाता है, और एक ह्यूमन इनोसेंस कहा गया है कि लैम तो एक इतना प्योर एनिमल है, इतना इनोसेंट सा एनिमल है, क्या ये वही क्रिएटर है जिन्होंने एक तो इतने मासूम से जानवर को भी क्रिएट किया और अब उन्होंने एक इतने खतरनाक डेंजरस एनिमल को भी जान दी। पोइट यहाँ पे इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सेम ही क्रिएटर है जो एक तरफ एक मासूम से एक एनिमल को भी उन्होंने क्रिएट किया और अब एक डेंजरस एनिमल को भी क्रिएट किया। और हमारा जो लास्ट स्टैंजा है और जो फर्स्ट है वो दोनों सेम है कि जो टाइगर है वो जंगल में रात के अंधेरे में बहुत अलग ही मतलब तरीके से ऐसा लगता है शाइन कर रहा है, और ऐसा कौन सा इमॉर्टल हैंड और आई है किस भगवान ने इतने डरावने से जानवर को बनाया है। आते हम इस पोएम के मेन आइडिया पे कि यहाँ पे विलियम ब्लेक सोचते हैं कि जो हमारा क्रिएटर है, जो गॉड है, वो अच्छी चीज़ें तो बनाते ही है, अच्छे क्रिएचर तो वो बनाते ही है, पर क्या वो बुरे क्रिएचर भी बना सकते हैं जैसे कि ये टाइगर, क्योंकि एक तरफ तो इन्होंने लैम को बनाया जो इतना मतलब एज अ सिम्बल ऑफ इनोसेंस है, सिम्बल ऑफ प्योरिटी है, और दूसरी तरफ इन्होंने एक टाइगर जैसे डेडली एनिमल को भी बनाया जो इतना फियरफुल है, जो इतना पावरफुल है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा वायलेंस है। तो क्या हम दो, हमारे क्रिएटर सेम ही हैं जो अच्छे बुरे दोनों चीज़ें बना सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।